वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। इस मंदिर को पाने हेतु, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार मंदिर भवन कर हमने, मंदिर भव्य बना कर हमने अपना वचन निभाया है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, जन जन को दिखलाना है। श्री राम की प्रथम आरती, श्री राम की प्रथम आरती। जय बहुल पेटी मारी प्राइज का राहुल, तो राहुल टीम है भी राहुल माचो देखे मजा ला। साथी राष्ट्रीय जो आप काफी के साथ से एक प्रमुख के समय से लिए थे, इसमें एक ही रहने में बढ़िया रन जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है जी? क्या फोटोग्राफर है कहां है? इन्हें हम कितने रास्ता से रास्ता है हमारे जो दिन भर का समय दिया, हम हर भाव से उन्हें आभार करते हैं। श्री सुबोध जी से हमारे देश के अच्छे थे, इस क्षेत्र के मुख्य में विधायक रहे, वह विज्ञान व्यक्ति दर्शक जी के जन्मदान है। कई बार व्यक्ति हमारा ऐसा ही अनुकूल हो जाता है। ऐसे अभिभावक परिभाव जी की तरह राम जी कहते हैं, हमने कहा था कि दिन भर का समय देना है और इन्होंने दिन भर का समय हमारे बीच में दिया है। बहुत धन्यवाद व्यवहार कर सकते हुए मोदी पंचायत को सम्मानित मिलता है और इस राशि जी अधिकार संघ के अधिन साथी साधु राम हमारे भी जो उपस्थित है काफी जिला ग्रामीण के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे अभिभावक 30 वर्षों तक अखंड तपस्या करने वाले दिनों मास में श्री चुनाव प्रसाद के प्रसाद भी बोल रहे थे। हमारे बीच उपस्थित हैं और सामाजिक राजनीतिक उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले श्री अमित समय हम सबको प्राप्त हुआ है। हम आग्रह करते हैं जो भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं इस क्षेत्र के कैसे जीवन में कैसे अस्थाई चलाना है, कैसे आप इस चीज का जिस चीज को निषेध करने की बात कही जा रही है वो सब चीज़ों को कैसे निषेध किया जा सकता है, उसका थ्योरी सिखाने वाले अंग्रेज भाई हमारे बीच की सर आइए और एक दिन का ऐसा कार्यक्रम रखिए जिसमें हम सबको ध्यान इत्यादि का ज्ञान दीजिए ताकि हमारा जीवन भी स्थिर हो और हम अपने अच्छा सुदेश को कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे किसी चिंता से मुक्त रहने की कला ये सिखाते हैं सर। और इनके युग हमारे बीच उपस्थित है No, no, no.
और हमारे अभिन्न साथी मित्र और राष्ट्रीय जीवन विकास संघ के प्रारंभ से अपना समय देने वाले सदस्य तो अगर संयोग है गोल करने वाला भी सुनील सरदार और गोल रिटर्निंग करने वाला भी सुनील थोड़ा सा अंतर टाइटल में स्कूटी एक तरफ है और एक तरफ है मामा स्कूटी रंगलाल के पास गोल बनाने की कोशिश की गोल को रिटर्न किया गया पेनल्टी ले जा रहा बेटा लोग राम मुर्मू के लिए सुनील लोहार ये खिलाड़ी है जो बहुत ही अलग अंदाज में खेलते हैं और एक अंतर पैदा करते हैं अपना खेल दिखाएंगे आप आए रोज क्योंकि ये प्रयास भीम के द्वारा लेकिन काफी दूर रह गया निशाना उनका गोलकीपर बाहर आए हैं बॉल पर नियंत्रण कर लिया है चोटिल होने के बाद वापसी की है और एक मौका यहां पर फिर मिलता हुआ लेकिन इस बार गोलकीपर तरुण मातो बाहर आ गए थे उन्होंने बहुत ही अच्छा बचाव किया नंबर 10 के पास जो बॉल थी उसके एंगल को कम किया और आसान सा बचाव किया और बॉल को क्लियर कर दिया तो राकेश से काउंटर अटैक करते हुए दूर से ये पर प्रयास करना चाहते थे राम मुर्मू बहुत ही शानदार बॉल को क्लियर किया यहाँ पर झुलू के पास बॉल थी विकास नायक Thank you.
पास में लोहार के द्वारा लेकिन वहां पर खास लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में मिनिमम और दो मिनट का खेल पहले हाफ का खेल धीरज गुराव यहाँ पर और तो असिस्टेंट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इशारा किया है मिनिमम और दो मिनट शेष है ये मैच पहले आपका मौका हो सकता है। जंगल अभी अभी गए थे लेकिन अच्छा नियंत्रण सुंदर सब भी रसी नंबर से ने बोल को बढ़ा दिया है रसी नंबर थ्री के लिए वापस पीछे नहीं सोचती यहाँ पर एक आक्रमण की तैयारी सुंदर पास यहाँ पर मिला देखना क्या होता है दूसरी ये प्रयास था लेकिन सुंदर नियंत्रण के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन दूसरे तरफ पकड़ा कर वापस आई थी फिर से अपना दर्शन दिया सूरज भगवान ने यहाँ पर कौन चमक बिखेरेंगे मामा स्पोर्टिंग या रंगा स्पोर्टिंग फिलहाल बराबरी पर दोनों टीमों ने एक एक गोल किया है और दोनों ही स्कोर करने वाले खिलाड़ी का नाम सुने अभी 1-1 हुआ है यहाँ पर रखी गई है ये महेश को दे रहे हैं बोले बात कीजिए नसीम भैया शुरुआत करने के लिए एक चीज गौर किया और दोनों टीमें रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि काफी शक्तिशाली है टीमें संतुलित टीमें है दोनों फिर से रणनीति तैयार करके वापस तरोताजा होकर वापसी की है मैदान में देखना होगा दौर के साथ दूसरे आपके खेल की शुरुआत सुनील का इशारा सुनील के पास बॉल बॉल को बहुत ही अच्छा निकाला था लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं विकास नायक को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए जंगल लंबा खिलाड़ी रंगलाल के पास बॉल लेते हुए अच्छा पास निकाला वहाँ पर गोल सही दिशा नहीं दे पाए भी और गोल चलेगी गोल लाइन के बाहर मार्टी के पास गोल जरूर गए थे वो पास देना था क्योंकि अपना साथी खिलाड़ी ने गोल लेकिन वहाँ पर उनसे रिप्लेट होकर गोल वापस बनाते हैं ना खाइए
वापसी कर रहे हैं मामा स्पोर्टिंग के सुनील लोहार का ये क्रॉस था लेकिन बॉल को क्लियर कर दिया गया सरदार के द्वारा सुंदर पास लेकिन इस बार काफी आगे निकल चुके थे सुनील लोहार आगे बढ़ने की कोशिश भीम की नियंत्रण के अभाव में उनसे बॉल छीन लिया गया है एमआर बाडी ने कंट्रोल किया बॉल पर सुंदर वहां पर अभियान खेला एमआर बाडी ने सुनील के पास बॉल क्योंकि कैप्टन है बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन दे रहा ना अहमद दोनों अच्छा मैच दे रहा है क्रॉस था लेकिन क्रॉस काफी नहीं था सुंदर क्लियर है मैडम के जरिए सरन के द्वारा नंदू सरदार माला जी बॉल चली गई है एमआर बाडी के पास काफी गलत पास कर बैठे थे रंगलाल के पास बॉल गई थी रंगलाल ने बॉल को आगे बढ़ाया भीम के पास बॉल नियंत्रण किया भीम ने दो दो डिफेंडर उनके सामने हैं और बाजी मारी डिफेंडर विजय सरदार ने आगे बढ़ रहे हैं रंगा स्पोर्टिंग के खिलाड़ी एमआर बाडी बहुत ही शानदार नियंत्रण दूर से ये प्रयास था कैप्टन का लेकिन काफी कमजोर थी करुण ने आसानी के साथ बचाव किया और बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी भीम के लिए जंगल गलत पास कर बैठे यहाँ पर आसानी के साथ बॉल को से बॉल पोजीशनिंग यहां पर रंगा स्पोर्टिंग के पास मानव ने यहां पर गोल बढ़ाया सुनील लोहार कितना ऊपर पहुंच पाएंगे कि नहीं कि पहले गोलकीपर बहादुर तोरण आए नंबर ठीक किया बॉल को क्लियर कर दिया लोहार और यहाँ पर गलत तरीके बड़े बड़े टूर्नामेंटों में लेकिन उस दबाव में भी यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही है अंजलि जंगल का ये पास अजय मुंडा के लिए अजय मुंडा ने क्लियर किया है रोल आई है भीम के पास वो क्लियर कर दिया गया वो छोटू के द्वारा मार्डी हर को
सुनील लोहा बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए ये खिलाड़ी खतरा पैदा कर सकते हैं कि जरूर दिया था लेकिन इस बार काफी कमजोर थी। अजय माडी बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को निकालने में सफलता हासिल कर ली है। बॉल बढ़ा दिया मामा इसको टीम के द्वारा फुटबॉल को भाई ऑन द लाइन का इशारा किया अंजलि ने और इस तरह से सरदार पीछे से गलत तरीके से यहां पर टैकल किया गया रोका सुनील के लिए सुनील सरदार बहुत ही बढ़िया पास निकाला था लेकिन सीधे गोलकीपर तरुण के पास बोल सुनील लोहा के द्वारा लंबी करके गोलकीपर मौसम के बीच दोनों ही शानदार टूर्नामेंट को याद कर शानदार आप आए रोज और मजा के फुटबॉल का उसको सुनना संतोष नहीं आता यही उम्मीद है अभी जाता है कि नहीं जाता है अभी नहीं जाता है जाता है लेकिन कैप्टन नहीं आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी को मौका दिया जाए तो खतरा हो सकता है लेकिन एक बार अच्छा जा रहे कॉर्नर किक लेने के लिए दूर से ये साइड बॉल काफी बाहर हेमार मार्टी का ये किक वर्जो के पास बॉल चली गई रंगा स्पोर्टिंग डायनासोर से भरते हुए वर्जो हेमार मार्टी आगे बढ़ते हुए मामा स्कूटिंग के दिलू सोरेन के पास बॉल राम मानव बहुत ही अच्छा पास निकाला है मानव ने विकास ने नियंत्रण कर लिया बॉल को और बॉल को बढ़ा दिया सुनील लोहार के लिए लेकिन वहां पर मेहमान मारती थे बॉल को क्लियर किया फिर से वापसी करती हुई मामा स्कूटिंग की टीम बचाव लेकिन एक मौका यहाँ पर फिर से हो सकता था गोली मारी थी विकास नायक ने बॉल काफी बाहर टूटू के द्वारा नेमार माटी के पास बॉल सरदार का ये क्लियरेंस भैया टूटू नसीब जो अभी भी मैदान में आए हैं उनके लिए पढ़ाया था उन्होंने क्रॉस जरूर किया लेकिन इस बार भी वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है तरुण माथो ने आसानी के साथ गोल को क्लियर किया चुनाव के पास फिलहाल काफी गलत पास देखने को मिल रहा है अजय मुंडा का ये पास राम रामू के पास नंदू सरदार उसे पास निकाला है तरुण ने बॉल को क्लियर किया काफी बाहर आ गए थे पेंशन
क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन आगाज हुआ था, आगाज हुआ है और अंजाम बहुत ही शानदार होगा। आप आइएगा बारह तारीख को, यहाँ पर एक दूर से प्रयास था, काफी नजदीकी मामला हो सकता था। सुनील लोहार के द्वारा ये प्रयास किया गया था। अच्छा पास विकास नायक का ये प्रयास था, इतने सुंदर चली गई बोल। विकास नायक तैयार हो रहे हैं कॉर्नर किक के लिए, कॉर्नर किक घनश्याम मुर्मू ने वहां पर प्रयास किया था लेकिन गोलकीपर ने बाल गलत पास कर रखे। यहां पर रफीक विकास नायक का गोल, सुंदर से किया भी मुर्मू वहां पर है। रामू है ब्रह्म बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा हेडर था, बिल्कुल दूसरे पोस्ट में दिशा दे दी थी घनश्याम ने लेकिन अंतिम समय में उनको। और फिर से रामू है ब्रह्म और इस बार गलत तरीके से रोकने की कोशिश की गई, गोलकीपर को फाउल में पड़ने की स्थिति देखता है। बहुत ही शानदार यहाँ पर कैप्टन सुनील को ऑफसाइड करा दिया गया। नंदू सरदार एक मौका मिला था लेकिन इस बार सुबहों के द्वारा भी वहां पर है लेकिन इससे पहले ही बोल को क्लियर कर दिया। इंद्रजीत का थ्रोइन गोल आया था लेकिन गोल को क्लियर कर दिया गया। फिलहाल नसीब सरदार अजय मुंडा का ये क्लियरेंस, सुनील लोहार के पास बॉल, सुंदर बॉल खेला यहाँ पर। अजय के द्वारा ये क्लियरेंस पास कर सके और गोल को निकल लिया सुनील कैप्टन ने, काफी आगे निकल गए थे। नंदू सरदार ऑफसाइड करार दिया गया। अंजलि जो एआर वन है, बेहतरीन पास इंद्रजीत राव के लिए, इंद्रजीत का ये क्रॉस आता हुआ, कोई भी साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, बिल्कुल हर गई थी वहां पर थ्रोइंग दिया गया टीम के द्वारा कुमार टूटू के द्वारा। रंगलाल मुर्मू के पास बोल, वापसी करते हुए मामा स्पोर्टिंग की टीम लेकिन गलत पास कर बैठे, इससे गलत पास और इस बार नियंत्रण करते हुए मामा स्पोर्टिंग के खिलाड़ी गुनू सोरेन ने बोल को बढ़ा दिया। रंगलाल मुर्मू के लिए सामना है, बहुत ही शानदार मौका फिर से, सुनील लोहार है वहां पर लेकिन इस बार भी पूरी तरह से ताकत के साथ ठीक नहीं जमा पाए। रामू हेमरम का ये क्रॉस आता हुआ, हेडर से यहाँ पर दिशा देने की कोशिश, क्रॉस बाहर से टकरा कर देखना है, बॉल फिर से इनसाइड में आई थी। बहादुर सोरेन वहां पर थे मौजूद। देखना पड़ता
धर्म की ओर बढ़ता हुआ ये रोमांचक मैच अनुष्का मुर्मू का ये क्रॉस सुंदर क्लियरेंस को सुधुर द्वारा मानव के पास बॉल गोल को निकाल लिया यहाँ पर एक मौका तलाशते हुए विकास नायक गोल को लेकर आगे बढ़ते हुए अच्छा क्लियर है भरा भरा ये शॉट उनके पास कैप्टन सुनील के पास चला गया था विरोधी टीम के कैप्टन के पास ये दुरा वहां पर बाएं तौर पर दूर आ रही है यहां पर मामा स्पोर्टिंग की टीम लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है दूसरी सफलता नहीं मिली है एक एक पर बराबरी चल रहा है अरिष्टा मुर्मू बाएं तौर पर क्रॉस आता हुआ एक नंबर की तलाश लेकिन फिर से वहां पर कुमार टूटू के द्वारा क्लियर है जिनके पास बॉल आई है इसलिए टोकर प्रयास किया था लेकिन ये प्रयास काफी नहीं और इसी के साथ यहाँ पर बराबरी पर छूटा ये रोमांचक मैच अब देखना होगा हमारे मुख्य निर्णय क्या